यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट है, टेबल वेबल कुछ नहीं है यहाँ पे देखो। तो भाई अभी सुबह सुबह जो अपना डोसा वाला नाश्ता हो चुका है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और तो अभी इस वक्त जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद रॉक, उसके बाद आगे चलेंगे वट्टा कोटाई फोर्ट। इस टाइम भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, खाली पड़ा है पूरा, वरना वीडियोस में मैंने देखा है भरा रहता है पूरा इलाका ये। ₹50 में मिल गई टिकट। अभी लाइन वापस रुक गई है, लेकिन यहाँ पे इतना बुरा हाल है, लोग इतनी ज़्यादा लाइन तोड़ के आगे कूद जाते हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं, वो लग के चले जाते हैं। मेरे सामने कम से कम 10 लोग ऐसे गए लाइन तोड़ के आगे भाग गए। मैं सोचा बड़ी वाली बोट में लेके जाएंगे तो छोटी वाली में लेके जा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद रॉक पे मैं आ गया था सुबह लगभग 9 बजे और अभी बज रहे हैं 11:30। तो आप सोच रहे होंगे इतनी देर तक मैंने यहाँ पे क्या करा, ज़्यादा कुछ खास नहीं करा। सुबह मैं काफ़ी लो फील कर रहा था तो सुबह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये इलाका अपना छाया वाला, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। लगभग 3-4 घंटे बाद आया व्लॉगिंग करने का जोश, वरना इतनी देर से मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ, बस खाली बैठ के बस यहाँ की जो हवा है, शांति और वाइब्स है, उसको एंजॉय करा मैंने। और यह है सामने का नज़ारा आपने। और तो जब मैं यहाँ पे आया था मैंने थोड़ा बहुत घूम लिया पहले ही हल्का फुल्का, अभी थोड़ा बहुत आपको भी दिखा देता हूँ। और मेरी मानो तो यहाँ पे आके बैठ के ज़रूर देखना, देखने में इतना मज़ा नहीं है लेकिन यहाँ पर बैठ के यहाँ की वाइब्स इंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और तो सामने लगातार यहाँ पे फिशिंग बोट्स आती जाती रहती हैं। साल के इस वक्त यहाँ पे जो ओशन है वो रफ रहता है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ का पानी इतना साफ नहीं है, थोड़ा गंदा हो रखा है, क्लियरिटी नहीं है इतनी अच्छी। और तो इस पॉइंट के बाद जो हमारा इंडियन ओशन है वो आ जाता है और उसके बाद आती है हमारी इक्वेटर। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के बाद का इलाका है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है सारी की सारी लैंड इस पॉइंट के बाद। ये जो है ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया की मेनलैंड का। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना वो है इंदिरा पॉइंट, ये इंडिया की मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर आप ये सोचते हो कन्याकुमारी है तो एक छोटा सा उसमें करेक्शन करना, मेनलैंड जरूर जोड़ना। और अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से 3 समुद्र के कलर दिख रहे हैं, एक तो ये जिसका हरा हरा पानी है, उसके बाद एक पतली सी लाइन वाला एरिया दिख रहा है जहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लू पानी है, और उसके बाद आता है डार्क ब्लू पानी वाला ओशियन। हमें आज जाना है उस तरफ जहाँ पे सामने की तरफ हमको विंड मिल दिख रही हैं। रास्ता छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो अगर मैं लंच के बाद भी अगर जाऊँगा तो आराम से पहुँच जाऊँगा, और रात को आज टेंट लगा के ही रहना है, क्योंकि यार होटल में मैंने देख लिया कुछ मज़ा नहीं आता, आलस और आ जाता है, सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाया मैं। और तो यार यहाँ पे बुक्स की दुकान 5-6 हैं स्वामी विवेकानंद रॉक के ऊपर, जहाँ पे आप आराम से कोई भी स्वामी विवेकानंद की बुक ले सकते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ है ये, और यहाँ पे मेडिटेशन हॉल है पीछे। जब मैं आया था थोड़ी सी हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन अब सारी जा चुकी है, अब तो फर्श भी गर्म हो गई है पूरी। ये जो ये वाला गेट है ना, इसके अंदर है स्वामी के विवेकानंद जी का स्टैचू, और आते समय हम यहाँ से एंट्री मारते हैं और आगे से घूम के अंदर से देखते हुए फिर यहाँ से निकल के आते हैं। और एक ख़ास बात और बताऊँ, यहाँ पे चप्पल जूते जमा कराने थे लेकिन आते समय मैंने जमा नहीं कराए, मैंने बैग में डाल लिए, क्योंकि मैं लोगों को कई देर तक वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था जब अपना इंतज़ार कर रहा था नंबर आने का, तो देखा कि भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई देख तो नहीं रहा है, तो मैंने अपने जूते चुपचाप अपने बैग में डाल लिए, अब आराम से पहन के निकल लेंगे। और तो यार यहाँ पे हवा बहुत ठंडी चलती है, थोड़ी सी छाया वाली जगह ढूंढ के बैठ जाओ, देन यू विल एंजॉय द वाइब्स ऑफ स्वामी विवेकानंद रॉक।
दो तीन मिनट मेडिटेशन सेंटर के अंदर थोड़ा बहुत ध्यान करा मैंने, जिसके अंदर मैं लेट गया और फिर लेट के ध्यान करा मैंने। लेट के ध्यान इन द सेंस योगा आसन वाला कोई आसन था, अंदर बहुत शांति थी यार सच्ची में। और तो इस वाली जगह पे इतनी देर से बैठा था, लगभग 3 घंटे लगातार, और वो सामने दिख रहा है त्रिवल्लूर स्टैचू। ये एक तमिल पोइट है जिनका स्टैचू है जो अभी अंडर मेंटेनेंस है। सच्ची में दोनों गजब की जगह हैं। मैं तो ये बोलूँगा आप लोग स्वामी विवेकानंद रॉक और कुमारी कन्या का ही ये जो टेंपल है, इसे देखने मत आओ, इसे फील करने आओ। पहले मैं भी यही सोच रहा था यार क्या देखूँगा यहाँ पे। यूट्यूब पे मैंने इतनी सारी वीडियोस देख ली थी स्वामी विवेकानंद रॉक की, मैं सोचता था यार हर कोई इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, यार क्या देखूँगा यार, कोई इंटरेस्टेड चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन जो मेरा सुबह बिल्कुल मूड ऑफ था, लो फील कर रहा था, दिमाग खराब हो रखा था, बिल्कुल व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन था, कुछ करने का ही मन नहीं था, मैं बस यहाँ सुबह आके बैठ गया। और लगभग 9 बजे से 11:30 बजे तक, 9 बजे से थोड़ा सा पहले आया था, जब से यहाँ पे बस बैठा ही हुआ हूँ और एक जगह छाया में जाके बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा ऐसी चल रही थी और यहाँ की जो वाइब्स थी ना, उसने मेरा मूड इतना अपलिफ्ट कर दिया, मज़ा आ गया सच्ची के अंदर। अब शरीर के अंदर एक अलग ही लेवल का जोश है, बिल्कुल मज़ेदार लाइफ लग रही है अभी, तो मैं यही बोलूँगा। और ये है सामने का नज़ारा, हवा बहुत तेज़ चल रही है सच्ची में। कल वहाँ सामने रेनबो लेडर्स के पास मैं आम खाते हुए आपको इसके बारे में बता रहा था कल शाम, भाई सच्ची मज़ा आ गया था बिल्कुल, इतनी रौनक देख के लोगों के आसपास। दोपहर में तो कुछ रहता ही नहीं है, शाम के टाइम निकलती है असली पब्लिक। तो और ये है अपने मैजिकल मोन्यूमेंट, देयर वाइब्स इज मैजिकल, दे आर मैजिकल। और तो चलते हैं अपने होटल और वट्टा कोटाई फोर्ट की तरफ रवाना होते हैं। अभी मेरा जाने से पहले एक और मिशन है मेरे पास कि मेरे को कुछ भी करके फेरी के अंदर, ये जो फेरी आ रही है इसके अंदर मेरे को विंडो सीट लेनी है जी। मेरे को अपनी लाइन में पूरी एक फेरी की लाइन को मुझे अपने आगे भेजना पड़े, लेकिन सबसे पहले फेरी में मैं बैठूँगा। तो भी इस वक्त इस वाली फेरी का मुझे देना होगा बलिदान, इस वाली फेरी को बाईपास करेंगे तो दूसरी में जा पाएंगे विंडो सीट पे। तो भाई अभी विंडो सीट के लिए फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल लग चुके हैं। इस वाली फेरी को अगर बोलेंगे बाय बाय तो पहली अगली वाली फेरी के अंदर आएगा विंडो सीट पे नंबर। यहाँ पे फेरी वाले क्या करते हैं, यहाँ से निकाल के ले जाते हैं और बीच में ले जाके फेरी बंद कर देते हैं, फिर लोग लहरों के साथ झूलते रहते हैं, बस बीच बीच में थोड़ा सा इंजन चालू करते हैं जिस थोड़ी आके चलती है, फिर रोक देते हैं, फिर झूलती रहती है, फिर झूलती रहती है, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे फुल इंजॉय कराते हुए लेके जाते हैं। आते समय भी ऐसे ही कर रहा था, जाते समय भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस वक्त ही अपनी वाली फेरी भी आ गई है अब, जिसमें हम जाएंगे और रोकेंगे खिड़की वाली सीट। वही फाइनली अब आएगा मज़ा।